Hi guys, how are you? Thank you so much for watching the first part of the video. At least the people who did, thank you so much. And people who haven't, please, I'll give in the link in the description below. Please click onto it and ek baar dekh ke zarur batayega ki aapko kaisa laga first part. Thoda sa lengthy hai, but I hope that you'll find something good in that. And a very happy Women's Day to each and every one of you dynamic ladies out there. Thank you so much for making us a part of your life. Thank you so much for teaching us so many things. And I don't think so that we'll ever be complete without you. So thank you so much for being there for us. Please keep the support higher. So on this amazing, beautiful day, let's continue with the second part of the talk with Dr. Aditi ma'am. And let's see what she has to say, how the change that she said that should be there in our system of medicine, how she proposes it to bring it onto the field. And by the end of the video, please do comment. That really helps us through. Thank you so much, guys. Stay tuned. मैम, समवन आस्क्ड कि आपका जो मेडिसिंस हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं, वो हर पेशेंट पे क्या डिफरेंट तरीके से एक्ट करती हैं? मतलब दैट वाज समवनस क्वेश्चन आउट देयर. उन्हें उनको लगता है मतलब दैट क्वेश्चन वोंट बी वेरी नाइस टू आस्क, बट हां, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गेट, सो नो वरीज अबाउट दैट. कि क्या एक पर्टिकुलर मेडिसिन होम्योपैथिक की हर पेशेंट पे डिफरेंटली एक्ट करती है? यस, एब्सोल्युटली. यू नो देयर आर रीजंस आई हैव सीन. कुछ डॉक्टर्स यू नो मेडिसिन का नेम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते, which is a very debatable question. People are like, आप हमें medicine का नाम क्यों नहीं बताते? So recently I was going through something and I read, तो वो doctors, you know, being a homeopath, आप सबको पता है कि एक medicine का आपकी पूरी body पे head to toe action है. हर medicine हर एक organ पे एक ना एक effect दे रही है, एक ना एक modality एक symptoms के साथ आ रही है. If I get a picture of an XYZ medicine, तो जरूरी नहीं है. Suppose, yeah, it's very common ना, suppose एक कोई respiratory का case है, ठीक है, उसके सेम केस सपोज मैं को मेडिसिन ए उस पेशेंट पे जा रही है, जरूरी नहीं है वो मेडिसिन ए हर पे हर उस रेस्पिरेटरी पर्टिकुलर इन्फेक्शन पे काम करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली आपका इंडिविजुअलाइजेशन कम्स टू द प्ले. मैं कितनी ससेप्टेबल हूँ, मैं कितनी सेंसिटिव हूँ एक मेडिसिन के एक्शन के लिए, और मेरी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज ने कितना डैमेज क्रिएट किया है और साथ वाले बंदे की बॉडी में कितना डैमेज क्रिएट किया, दैट वेरीज. प्लस चलो डिजीज पिक्चर में कह रही हूँ एक तरह से सेम भी हो गई, बट आपका एक्सप्रेशन टू दैट पर्टिकुलर डिजीज ऑफ योर्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई हर मेडिसिन हर पेशेंट पर डिफरेंट हो जाती है. एंड द रीजन वी डोंट डिस्क्लोज इज लाइक कि सपोज मैंने पेशेंट को अपनी मेडिसिन का नाम लेके मेडिसिन दे दी, दे आर यू नो आई वोंट से दे आर लाइक वो, इट्स जस्ट दैट दे आर सो इनोसेंट आई वुड से, कि उनको नॉलेज ज्यादा नहीं है कि ये मेडिसिन हमें दूसरे प्लेन्स पे भी काम कर सकती है ना. तो एक बार उनको अगर गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए मैंने नक्सोमिका दी है या कार्बोवेज दी है, अब उनके फैमिली में किसी को भी वो सिमिलर सी भी पिक्चर होगी ना, दे गो एंड गिव दैट. अब उस बंदे को अगर फर्क नहीं पड़ा तो देन यू विल बी लाइक यार नहीं, ये मेडिसिन काम नहीं करती. दैट्स व्हाई आई पर्सनली रिफ्रेन कि मैं नाम ना बताऊं, बिकॉज यू नो देन आप खुद ही अपनी वो थोड़ी सी नॉलेज को लेके मास्टरी करने लगते हो अपने घर में, एंड देन यू अगेन यू नो डैमेज योर केस, देन आपकी फैमिली में वापस से वो इशू होता है. फिर जब वो केस बिगड़ जाता है, आप डॉक्टर के पास आते हो कि नहीं नहीं हमने ना खुद से पहले ये 3-4 मेडिसिन ट्राई कर ली थी, अब ठीक नहीं हुआ, अब आप कर दो. बट यू डोंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो 3-4 मेडिसिन भी उस बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के चली गई है. अब उसका पहले लेयर का इफेक्ट हटाने में मुझे टाइम लगेगा, पहले मैं उनको एंटीडोट करूंगी, फिर जाके मुझे आपकी एक्चुअल वो जो आपको 2 दिन पहले एक्चुअली कंडीशन हुई थी मुझे वो दिखेगा, फिर मैं उसकी दवाई दूंगी. आप मतलब वो पूरे हफ्ते का आपने एक्सटेंड कर दिया अपना कोर्स. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कह रहे हैं कि कोई मेडिसिन है पर्टिकुलर, आई मतलब पर्सनली आई सीन केसेस जहां पे पेशेंट को एनीमिया के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी गई, मेडिसिन बोले तो पेटेंट दिया गया, एक सिरप दिया गया कि आप इसको 15 डेज या 1 मंथ आप इसको लेना. पेशेंट 2 महीने बाद पलट के आता है और फिर आके बताता है कि डॉक्टर साहब ये वाली दवा मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी तो मैंने स्टार्ट कर दी, एंड पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखा जाता है तो 14. अब नाउ दिस पेशेंट हैज बीन ईटिंग दैट मेडिसिन और अपने घर भर को खिलाया जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्फा. अब पीपल थिंक कि अल्फा जो है वो वीकनेस की मेडिसिन है, क्योंकि दैट इज हाउ द होम्योपैथ्स और आर इंडस्ट्रीज दैट इज हाउ दे आर फ्रेमिंग इट, और वहां पे आकर के पूरा हो जाता है पेशेंट का कचरा. अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं शायद, तो आपने वो कोर्स किया कहाँ से है न्यूट्रिशन का? मतलब पीपल आर विलिंग टू सीक योर गाइडेंस. या सो यू कैन वेरी इजीली गो टू दिस
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देयर यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, सो बेसिकली दिस इज अ डिस्टेंस लर्निंग. अगर आपको रेगुलर किसी न्यूट्रिशन का कोर्स करना है, देन अगेन देयर आर ऑप्शंस. बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में न्यूट्रिशन कोर्सेज रन होते हैं, देन यू कैन गो फॉर बीएससी. बट देन अगेन, अगर आप ऑलरेडी 5.5 ईयर्स का मेडिकल ग्रेजुएट कर चुके हो, तो देन इवेंचुअली यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज, बिकॉज देन अगेन वो 3 साल का बीएससी एमएससी न्यूट्रिशन करने का जरूरत नहीं है. बट स्टिल इफ यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी एज अ रजिस्टर्ड, लाइक वो सर्टिफाइड से डाइटिशियन ही बनना है, देन अगेन यू कैन गो फॉर बीएससी होम साइंस न्यूट्रिशन एंड एक्सवाईजी. सो अगर डिस्टेंस लर्निंग है, तो यू कैन गो वेरी लाइक वन वेरी रिनाउंड एंड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इज इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. यहाँ पे आप जाओ, आई थिंक एवरी 6 months दे गेट न्यू बैचेस, एंड वहां पे आप अपने आपको एनरोल कर सकते हो. डिपेंड करता है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, देन पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है. सो वट एवर सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, जस्ट भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो, यू कैन इजिली एनरोल योर सेल्फ एंड लर्न थ्रू इट. सो कोर्स का नाम बीएनएचई है, अगर आप लोग जाना चाहें, अभी एडमिशन ओपन है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं. Do homeopathic medicines work according to the metabolism of the patient or the person, or they work normally? Mind-blowing question. So homeopathic medicines don't work according to your metabolism, but they do work according to your susceptibility. So your vital force. आपकी बॉडी कितनी ज्यादा susceptible है एक medicine, एक reaction के लिए, वो उस पर काम करती है. आपकी बॉडी कितनी ज्यादा एक्टिव है एक हीलिंग प्रोसेस को जनरेट करने के लिए, वो उस पर काम करती है. पुअर मेटाबॉलिज्म में डजंट मैटर, हो सकता है आपका लिवर इफेक्टेड है, बट आपकी बॉडी में मेडिसिनल डोज के बाद आपकी बॉडी उस मेडिसिन के लिए कितनी ससेप्टेबल है, कितनी रिएक्टिव है, दैट विल डिसाइड कि आपका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा और कितनी जल्दी आप कोप अप कर सकते हो. बट देन अगेन मेटाबॉलिज्म विल प्ले अ रोल टू एन एक्सटेंट, बट हाँ, सिर्फ इंटायरली मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होती. But these are things that you will learn by doing these separate छोटा courses या by reading through. Exactly. True, we cannot have this knowledge just from Organon or just from Materia Medica or just from the prescribed courses. We cannot have that knowledge. We'll have to go through different things. We'll have to study. Matlab, ma'am, I guess I haven't told you that I have been to your father's clinic abhi recently, and the kind of book collection he has. Matlab, I became a huge fan of that. I was there just like staring at those books. That is the kind of passion we should have towards our system. That wasn't just homeopathic books. अगर तुम इस पे ध्यान से देखोगे ना, इट्स नॉट जस्ट द कलेक्शन इज नॉट जस्ट फॉर होम्योपैथी, इट्स अबाउट लाइक कलेक्टिव बुक्स. इसमें तुम्हें लाइफ को लेकर बुक्स, मेडिटेशन, अदर सिस्टम्स ऑफ हीलिंग, एलोपैथिक में क्या क्या रोल प्ले होता है, कैसे क्रिटिसिजम्स हैं, आयुर्वेदा का क्या रोल प्ले, यू नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग. हर्बल मेडिसिन का क्या रोल है, मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब यू विल गेट अ वास्ट कलेक्शन. सो अगेन, वन थिंग आई लर्न, लाइक यहाँ से मुझे सीखने को मिला है कि यू शुड बी ओपन अप टू समथिंग. यहाँ पे सिर्फ होम्योपैथी की बुक्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथी यहाँ पे एक्चुअली वो बुक्स हैं जो आपको एज अ हीलर, एज अ होलिस्टिक हीलर, एज अ पर्सन ग्रो करने में भी हेल्प करती है. सो व्हेन वंस वी आर हेल्दी एंड फिट एंड यू नो लाइक हम अपनी लाइफ के बैलेंस स्टेट में, ओनली देन वी कैन हील अ पेशेंट. She was like, once being a healer, जब हम किसी एक you know, patient को heal करते हैं, we lose a part of our own self. जब आप किसी को you know, when you sit in a case taking ना, जब आप सामने वाले किसी patient की एक case history लेते हो, उसकी story सुनते हो ना, there will come a point जब आपको थोड़ा सा उसके लिए कुछ you know, sensitivity develop हो जाता है, which is like unknowingly being a human. तो we lose, जब हम उसको counseling कर रहे होते हैं, जब हम उसको heal कर रहे होते हैं, we lose a part of ourselves. For that, उसके बाद खुद को वापस से रीचैनलाइज करने के लिए, रीहील करने के लिए हमें भी कुछ अपने लिए भी प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट? सो वो मेडिटेशन, वो जर्नलिंग, वो एक्टिविटीज, वो सब ना हमें बाद में खुद के लिए हेल्प करता है. एंड वंस अगेन हम जब उस फेस में आ जाते हैं, व्हेन वी आर फिल्ड, देन अगेन वी कैन सिट एंड लिसन टू द पेशेंट.
नहीं तो अगर हम रोज एक पेशेंट को सुन के फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे तो अगेन देयर विल कम अ पॉइंट जब हम खुद ही पूरे टूट चुके होंगे कि लाइक वी आर टोटली एग्जॉस्टेड राइट. तो अपने आप को भी रीचैनलाइज करना, अपनी एनर्जीज को भी रीजुविनेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ हीलर. सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है बीइंग लाइक हीलर का. I started practicing with this doctor, a very senior mind, my principal. So I started practicing with him. So ek din wo apni, he was somewhere out of station, to unne seat mujhe de di. तो अभी तक ये था कि 5 घंटे वहां बैठते थे तो आई नेवर फेल्ट कि मैं घर आके टायर्ड हो जाता था. आई यूज्ड टू कम बैक होम, आई यूज्ड टू स्टडी. तो ही वाज आउट फॉर लाइक 4 to 5 days. और फॉर द वेरी फर्स्ट डे आई सैट ऑन दैट सीट. हम लोग नॉर्मली जो थे वो 30 पेशेंट्स देखते थे उस दिन, क्योंकि वो नहीं थे तो हम लोगों ने खाली 5 देखे. बट वो 5 पेशेंट्स के बाद घर आकर के ऐसा लगा जैसे माई एनर्जी वॉज ड्रेन्ड. एंड दिस हैपेंड फॉर द होल 5 days. देन एंड देयर आई रियलाइज्ड कि दिस इज वी गिविंग अ पार्ट of energy, the positive energy to our patient. Exactly. And we should understand, we should be aware of that and learn how to rejuvenate this part in ourselves. Exactly. तो एक ये वाला take home message हो गया कि जो हमें change करना है वो ये कि हमें खुद के ऊपर भी workout करना होता है, हमें खुद को भी heal करना है, हमें खुद को भी you know healthy और happy state में रखना है so that you know eventually we can heal, because again it's energy that channelizes. Ma'am, one last question, I guess, मतलब आपको भी लेट हो रहा है, मैं आपको एक घंटा खींच चुका हूँ, आपको आइडिया है? ओके, नो मुझे कोई आइडिया नहीं है. आई थिंक दैट वाज सच अ वंडरफुल क्वेश्चन. थैंक यू सो मच ऑल बिकॉज़ ऑफ यू. बट समवन आस्क्ड व्हाट इज योर टेक ऑन पॉलीफार्मेसी. पर्सनली आई डोंट सपोर्ट पॉलीफार्मेसी एट ऑल. मेरे को नहीं समझ आता, बिकॉज उससे वही अगेन ना आई एम सेइंग, आपने जो रूट्स में पढ़ा है, आपने जो एक्चुअली होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा है कि अगर मैं कलेक्टिवली एक दो, विच इज वेरी सिंपल, आई थिंक ये डे वन से मुझे बहुत क्लियर हो चुका था कि अगर मैं 2-3 मेडिसिन को मिक्स करके एक मेडिसिन दे रही हूँ, अगेन वो एक नया कॉम्बिनेशन बन चुका है जिसकी मैं फ्रेश प्रूविंग कर रही हूँ वो XYZ पेशेंट पे. तो मुझे वो कभी नहीं पता चलेगा कि वो मेरी ABC अगर मैंने 3 मेडिसिन मिक्स की है तो वो ए मेडिसिन की वजह से क्योर था या बी. ABC कलेक्टिवली विल बिकम सम डी मेडिसिन जिसकी हमें अगेन प्रूविंग की जरूरत है. तो आई डोंट बिलीव इन पॉलीफार्मेसी. हाँ, देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. अगेन एक ऐसा होता है कि कुछ लोग ऑल्टरनेटिव या यू नो इंटरकरेंट रेमेडीज देते हैं जैसे, बट वो मेडिसिन मिक्स नहीं करते. लाइक सपोज एक मेडिसिन मैंने आज दी है, एक मेडिसिन दूसरी ही मेडिसिन मैंने दी है कि ये वाली डोज आप शाम को लेना, ऑल्टरनेट करके आप ले लो, विच इज फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है. बट वो सारी मेडिसिन को एक साथ मिला के दे देना इज समथिंग आई डोंट सपोर्ट एंड आई डोंट गेट इट, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग वो एक नया मेडिसिन बन चुका है, नया कंपाउंड बन चुका है, कॉम्बिनेशन बन चुका है जिसकी अगेन हमें प्रूविंग की जरूरत है. अगर वैसी कोई प्रूविंग है आपके मटेरियल उसमें तो ठीक है आप दे दो, बट नहीं है तो अगेन आप वो फर्स्ट टाइम पेशेंट को दे रहे हो एंड यू विल नेवर गेट टू नो कि उन तीनों कॉम्बिनेशन में से किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेडिसिन ने कुछ काम किया या नहीं भी किया. सो देयर विल लाइक फिर आप उस केस को ना कभी प्रेजेंट नहीं कर सकते सेमिनार में, आप उसकी क्योर को कभी प्रूव नहीं कर सकते कि किस बेसिस पे क्योर हुआ. राइट, तुक्का बैठ गया होगा, शायद हो जाए शायद ना भी हो. सो यस, देयर इज अ डिफरेंस. आई डोंट सपोर्ट पॉलीफार्मेसी. आप दूसरी कुछ कोई टॉनिक देना चाहते हो या कोई सिरप देना चाहते हो, ठीक है टू एन एक्सटेंट आप फिर भी वो प्रैक्टिस कर सकते हो नोइंग कि वो केस में कितना जरूरी है. बट देन अगेन वो सारा कुछ मिला के एक जहर बना के पेशेंट को देना, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क. अच्छा, एक चीज मैम ये कि मतलब अच्छा पहली चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज आप एक लाइव सेशन अपना पर्सनल जरूर करिए. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम गेटिंग एंड अगर आपको दिख रहा हो तो पीपल आर आस्किंग कि आपका क्या दिख रहा है, बट कुछ नहीं है. हां भाई, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो रहा है उसको देखना. तो प्लीज आप एक लाइव सेशन जरूर करिए एंड आई गेस पीपल आर विलिंग टू आस्क यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो सिर्फ पर्टिकुलरली आपके लिए है ना, तो आप प्लीज उस चीज को करिएगा. बाकी पीपल आर देयर, आपके पास टाइम है ना, मतलब आप अवेलेबल होना अभी? हाँ. तो समवन आस्क्ड, मतलब आई डोंट थिंक सो दैट ये सेशन किस चीज का है और ये क्वेश्चन तो कहीं और ही चल गया. आई एम लाइक शाम में को दिख रहा है कुछ है ना, आई थिंक हम बहुत ज्यादा एक टॉपिक से डेविएट हो गए. दो तीन चीजों पे तो मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा. मैं दो तीन चीजों पर आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा. अदर जूनियर आपका देखिए, पीपल आर आस्किंग क्या होम्योपैथिक इस चीज पे काम करती है, क्या होम्योपैथिक उस चीज पे काम करती है. मैं अदर मैम के पास एक क्वेश्चन जाने ही नहीं दूंगा, मैं आपको यहीं से वापस करता हूँ ये क्वेश्चन कि होम्योपैथिक चीज पे काम करती है जिस पे आपका डॉक्टर काम करवा सकता है. इट्स सेम एज होम्योपैथी.
कि जहां पे जो डॉक्टर की अप्रोच है जहां तक वो काम कर सकते हैं और जहां तक आप हील हो सकते हो एक पर्टिकुलर केस में, होम्योपैथिक काम करेगी जस्ट लाइक एनी अदर सिस्टम. तो यू हैव टू टॉक टू योर फिजिशियन रिगार्डिंग द कंडीशन. दूसरी चीज, एक कॉमन सी चीज, एक क्वेश्चन ये है कि इज होम्योपैथी अ गुड चॉइस ऑफ करियर. अच्छा अभी मैम इसमें दो क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने. समवन आस्क्ड मी कि एक तो अभी ये क्वेश्चन आया इज इट अ गुड चॉइस ऑफ करियर और नॉट. दूसरा चीज, समवन आस्क्ड मी कि एक होमपैथ बन के एक एमडी करके इफ वी हैव अ टारगेट ऑफ अर्निंग 2.5 लाख पर एनम, हाउ पॉजिटिव, हाउ पॉसिबल और हाउ रियलिस्टिक दैट थॉट इज. I got this question abhi recently. Okay. I tried convincing this person, but I would love if you can do that for me. Okay. For this question, I think मैं अभी answer नहीं करना चाहूँगी. I am shooting a video particularly on this topic, which will be out there. हाँ. So I am collaborating with one of the academies known as Homeo Academy, who you know जो आपको preparation कराते हैं for you know government exams and MDs and entrances. So I am like making a video for them. There you'll get all these answers. So, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, within a week you'll get the video. So, I'll post a link over there. In short, मैं यही बोलना चाहती हूँ, like, it's a very positive answer from my side. Yes, it has a very good career option, depending on this thing, कि आप कितना ज्यादा hardworking हो, आप कितने efforts put करते हो उसमें. If you are putting efforts, then you are doing wonders. अगर आप hardworking हो, अगर आप, you know, you have that zeal, you have that courage, कि I have to work day in and out, definitely you will be दो तीन क्या उससे ज्यादा ही कमा लोगे महीने के. यू नो यू शुड नो हाउ टू कैश दैट नॉलेज ऑफ योर्स. सो एग्जैक्टली दैट विल दैट डिपेंड्स. एंड आई थिंक चलो इवेंचुअली आगे चल के थोड़ा कर लेंगे सेशन इस बारे में भी कि हाउ टू कैश दैट नॉलेज टू समथिंग कि आप आराम से कमा सकते हो. आइदर यू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस. इन बोथ वेज यू आर डूइंग वंडर्स. बट देन अगेन हार्ड वर्क मैटर्स. हर वो बंदा हाँ, there are many people who are interested to join you as an intern. So आप जब भी अपने क्लिनिक में इंटर्न, मतलब someone people are there to start learning from you. So आप जब भी अपने क्लिनिक पे इंटर्न्स बिठाना शुरू करें तो प्लीज हम लोग को बताइएगा. There are many interested people out there. And there are questions regarding the studies. तो मैम मेरे ख्याल से हम लोग को एक मैं आपको प्लीज दोबारा इस तरीके की लाइव सेशन we'll do a separate session for this. I think I can see there are lots of questions regarding कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है. I can see that. We have started from a different topic and now we have come to a totally different topic. No, but that's you know one thing. इससे ये पता चलता है कि people are actually listening and they have doubts. So it's good to know that it's not a doubt. And I'm sorry like अगर हम अभी इन चीजों को answer नहीं कर रहे हैं. I think Abhinav, you have to make sure ये questions pen down कर लो and like within a week or a two we'll plan another session जिसमें हम सिर्फ इन questions को answer करेंगे. I'm really sorry but I'm very happy that you people are actually you know get connected to the video. And ठीक है, doubts होना कोई बहुत बुरी बात नहीं. It's good that you have doubts because then there is a scope of change and improvement. So it's okay. More knowledge, more doubts. Exactly. More knowledge, more doubts. तो ठीक है. And you know it's very important to address these buds because वो faith जब तक develop नहीं होगा ना वो उस mindset से practice नहीं करेंगे. अभी भी like I think अगर वो second third year students हैं and they are still in dilemma, that means you know that's not good. It's very important for them to convince. अगर मैं खुद ही अपने system को लेके convince नहीं हूँ, मैं आगे किसी को कैसे treat करूँगी एक दो साल में, right? So please don't keep any doubts. We will convince you for sure. And homeopathy has a very beautiful future and scope. Like, अगर आप जी जान से once you are convinced ना, आपको समझ आ गया ना कि वो system work कैसे कर रहा है, आप इतनी beautifully उसमें into हो जाओगे ना, then nobody can stop you and then there is no limit. Like, sky is the limit then. Then sky is the limit for you कि आप जितना उसमें best कर सकते हो, you can do that. क्योंकि मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में एड्रेस किया ना, देर आर पीपल हु कम इनटू आवर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो पहले एलोपैथी करना चाह रहे थे, फिर उसके सिस्टम में आए एंड देर हैव जीरो नॉलेज अबाउट हाउ होम्योपैथी वर्क्स और व्हाट होम्योपैथी इज एक्चुअली. सो आई डोंट नो, आप शायद आपने जयपुर से कम्प्लीट किया है अपना BSMS और इस तरीके की जो आपका सेंट्रल से खिसक के जो कॉलेजेस हैं, आई गेस आपका राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, द काइंड ऑफ कॉलेजेस देयर दे आर अट्रैक्टिंग अ गुड नंबर ऑफ पीपल and a class that is coming there for homeopathy itself. Matlab, I don't know if you can recall, if you can recall, so aapke batch mein I guess 100 log rahe honge. Yes. Out of them, how many people were there by choice, if I may ask? If you remember, if you can recall that. Two. One was me. Okay. Ek aur koi tha. Main thi, I am the only person jisne
उस टाइम पे आई थिंक नीट में ही पीएमटी होते थे मेरे टाइम पे, पीएमटी एग्जाम्स होते थे एमबीबीएस के लिए. आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने आज मतलब 12th के बाद बिल्कुल पीएमटी नहीं दिया था. आई वॉज वेरी कट एंड क्लियर कि किसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ही जाना है. वन गुड रीजन इज कि चलो ठीक है, अगेन आई विल से कि एक्सेप्ट कि मेरे पेरेंट्स होम्योपैथ्स हैं, इसीलिए भी जाना था. एंड सेकेंडली मैंने उसके रिजल्ट खुद अपनी बॉडी पे अपने टाइम पे, व्हेन आई वाज सफरिंग, आई हैव सीन दोस रिजल्ट्स. सो इट्स नॉट जस्ट दैट माय पेरेंट्स आर डूइंग दिस, आई वाज माइसेल्फ वाज कन्विंस्ड कि नहीं, दिस सिस्टम हैज सम हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड अमेजिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड आई नीड टू लर्न दिस. बिकॉज हमेशा से मेरा एक फोकस ये था कि मैं कैसे एक कम्युनिटी को हेल्प कर सकती हूँ टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. सो जब ये सिस्टम उस चीज को बहुत इजिली रेजोनेट कर रहा था ना एंड पेनलेसली उसको मॉडिफाई मतलब सॉर्ट कर रहा था, आई वाज लाइक व्हाई नॉट दिस. So I was the only person. I still remember first year के बच्चों से जब वो उनका fresher का first day होता है, उनसे सबसे पहले ये question पूछा जाता है कि कितने सारे बच्चे हाथ खड़ा करें कि MBBS dropouts हैं या NEET clear नहीं हुआ उसके बाद यहाँ आए हैं. तो I think 100 में से 98 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था and I was एक या दो थे, मैं तो उनमें से एक थी जिन्होंने लाइक मैंने कभी PMT दिया भी नहीं है सर, बिकॉज मुझे बाय हुक और क्रुक में फर्स्ट चॉइस वाज दिस. दो लोग थे, मैं मैम से काफी जूनियर हूँ, मेरे बैच में पांच लोग थे. हमारे इंक्रीज हो रहा है. सो दैट इज वॉट वी नीड टू टारगेट नाउ. आई फील दैट दैट इज द ऑडियंस दैट वी नीड टू टारगेट. We need to explain these people who are into the bio sector, who are into, who have taken PCB, कि ये भी एक system of medicine है that you can practice. And this is doing wonders. मतलब it's not just allopathic medical science out there. Or then people stray from their path, they do something different. They land up into something else. So other than that, you have the system of medicine that you can always work on too. I feel people like you, at least ma'am, should target that kind of audience. Exactly. Okay, we can. I think I completely agree with you. Because it's very important. जो खुद के मन से आया ना सिस्टम में, पहले तो उनका भी पॉइंट जानना कि उनको क्या चीज कन्विंस किया. हो सकता है उसमें से एक आध ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे कि नहीं यार हमारे तो वी आर सेकंड और थर्ड जनरेशन होम्योपैथ्स और फोर्थ जनरेशन होम्योपैथ्स, दैट्स व्हाई वी आर इनटू दिस, बिकॉज हम देख रहे हैं बचपन से. ठीक है, यू आर सीइंग दैट. बट अब नाउ एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आप कितना कन्विंस हो और आप कितना समझ रहे हो उस सिस्टम को, अब आई थिंक वी शुड टारगेट दैट और हमें उस पर फोकस करना चाहिए. एंड आने वाले टाइम में आप सोसाइटी को क्या दोगे, विच विल बी योर लाइक इंडिविजुअल एफर्ट. Because not everyone, like, what respect and fame or name my father has earned, it's not, wo name, fame or respect pass on nahi hota. Sirf knowledge hi pass on ho sakte, wo bhi jab aap, you are eager to learn, right? What my father is doing is his hard-earned efforts. What I'll do in upcoming years will be my effort. Wo naam rahega saath mein, but then, yaar, ye bahut common hai, dekha bhi hoga, ki wo naam... रह जाता है, वो सिर्फ नाम रह जाता है बट वो एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, देन वो प्रैक्टिस पूरी ठंडी पड़ जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू हैव दैट प्रेशर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको और एनहांस करो और अपने आप को प्रूव करो एज एन इंडिविजुअल. हां हां हां, आप कभी यूपी तरफ आइए, आप लखनऊ, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आई हैव हैड अ चांस टू टॉक टू डॉक्टर्स या टू सी डॉक्टर्स जो बहुत सालों से दे वर प्रैक्टिसिंग एंड आज वो इस दुनिया में नहीं है. दे हैड अ वेरी अमेजिंग प्रैक्टिस, बट फिर उसके बाद जब उनके बच्चे बैठे आकर के उस पे, तो जहां पे लाइन लगती थी सुबह से लेकर के रात तक, आज वहां पे शायद दो या तीन पेशेंट्स कभी दिख जाते हैं. Exactly. और वो भी इसलिए बिकॉज वो नाम चलता रहे, बट यू नो आपके अपने एफर्ट्स शायद नहीं हो पाए. आई थिंक दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग, आई हैव सीन दिस. सो वन थिंग, वो चीज आपको हमेशा पुल बैक करनी चाहिए कि मुझे अपना भी बेस्ट देना है उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेम चीज. हां, there's this question from a non-homeopathic person. He's a friend of mine. He asked, he's working with people who have migrated from practicing medicine to the field of research. Okay. Most of these people are extremely skeptical about homeopathy. How can that be solved? Matlab, this person is not into the sector, but he is a person who is dealing with people such. So how that part can be solved? They're very skeptical about homeopathic practice, yeah, homeopathic medicine. The people into research. Say, homeopathy se research mein gaye hain ya modern medicine se research mein gaye hain? He hasn't stated that, but haan, they are, he has just stated practicing, they went into the... मुझे actually थोड़ा question clear करो. वो ठीक है, they have shifted, but what is the query? Now they're skeptical about homeopathy, and he's willing to solve that aspect. कि भाई अभी जो उनका जो mindset है homeopathy की तरफ से, उसको he's willing to solve, उसको he's willing to resolve. अच्छा, तो उस चीज को कैसे? I think
रिसेंटली एक एपिसोड हुआ था मेरे साथ, उसमें भी ऐसे ही कुछ था. देयर वाज दिस गाय हु वाज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, नॉट क्लियरली अ होम्योपैथ और अ डॉक्टर, बट वही रिसर्च वाली फील्ड से था. सो ही आल्सो हैड सम डाउट्स बिकॉज यू नो दे बिलीव ऑन समथिंग कंक्रीट प्रूव्स, एंड अगर आपके पास कोई प्रूविंग है, आपके पास कोई रिसर्च पेपर डॉक्यूमेंटेड है. सो यू नो आई रिसेंटली आई वॉज विद वन ऑफ माई मास्टर्स, डॉक्टर दिनेश चौहान सर. ही इज लाइक अ pool, like what pool is a small word, ocean of knowledge na unke paas bahut hai. So we were having a discussion there, he mentioned ki research field mein na homeopathy bahut niche, he actually quoted, we were thinking homeopathy world ka second ya us number pe, but then he said when you sit in front of researchers they actually do that ki aap homeopathy to bahut piche hai, because homeopathy mein we are not putting up research, we don't document our you know cases, we don't document ourselves. That's why we don't have something to prove. And researchers, what? In logo ko, you know, you need to prove something. Aapke paas nahi written mein koi journal mein koi articles nahi hote, bahut kam hote hain. Jabki aap Chinese medicine dekho ya allopathy dekho ya XYZ koi aur medicine system dekhoge, unke har din bhar bhar ke researcher documents hote hain. Like if you see na list of WHO, to wo healing system of medicines mein हर सिस्टम में मेजर आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, बट होम्योपैथी में नहीं हो रहे, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स. यहाँ पे हमारा एज एन इंडिविजुअल, एज अ डॉक्टर, हमारा बहुत बड़ा फॉल बैक है. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट कन्विंस समवन विदाउट एनी प्रूफ. एक ही आर्टिकल है विच वॉज लेटली पब्लिश्ड बाय IIT बॉम्बे, वेयर दे प्रूव्ड एग्जैक्टली, वही एक चीज है जहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो. And it's not, again, I don't know, people do say it's a miracle or a magic or a what, placebo, jo bhi keh lo, but we are not doing something. It was more of something which was generated from nature, by nature, for the nature. This system was generated. Isme kuch bhi humne chemical formulations kuch nahi kiya. If you see, jitne bhi humare mode of preparation hai, we have plant kingdom remedies, we have animal kingdom remedies, we have mineral kingdom remedies. These are all present in nature. हमने कुछ भी नया आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं किया. हाँ, उसके बाद एडवांसमेंट्स हुए, फिर आप यू वेंट टू सार्कोज नोजोज एंड एम्पोंड्रोब्लिया, दैट इज डिफरेंट, बट अगेन दैट वाज अ रिसर्च. हां अगेन दैट वर एडवांसमेंट, दैट वर स्टार्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशंस, बट इनिशियली जब आप रूट्स देखोगे, समथिंग व्हिच नेचर कैन हील, एंड द लॉ ऑफ सिमिलरम इज समथिंग, वही है ना कि एक लाइक क्योर्स लाइक. नेचर में कोई चीज या नेचर में कोई डिजीज अगर क्रिएट हुई है तो नेचर के पास उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है उसको ठीक करने. हां अभी अभी यू नीड टू सेड ना, इंपॉर्टेंट द सेम. अभी व्हाट यू सेड ना, ही कोटेड द सेम इफ मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स दे से होम्योपैथी हील्स पीपल, व्हाई इज इट नॉट डॉक्यूमेंटेड. सो एक्चुअली वी नीड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ्स नाउ. सो ठीक है, यहां पे मैं एग्री करती हूं कि ये हमारा फॉल बैक है कि हम अगर कुछ सिस्टम में प्रूव कर रहे हैं तो वी आर नॉट यू नो वेरी मच इनटू, आइदर वी आर नॉट अवेयर. एक्चुअली जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके मास्टर्स के केसेस बहुत अच्छे हैं, जिनके पास क्योर बहुत अच्छा अच्छा है, या तो दे आर नॉट अवेयर कि उसको डॉक्यूमेंट करना कैसे है, या फिर पता नहीं समथिंग इज लैकिंग बिहाइंड, एंड आई थिंक वी नीड टू हंट फॉर दैट आल्सो. मतलब दैट वाज रियली हार्ट शैटरिंग. इफ यू रिमेम्बर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो पीएम हैड इनवाइटेड ऑल द सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रिसर्च सेक्टर के हेड्स को कि आप आके डिस्कस करिए हाउ कैन वी डील विद दिस पेंडेमिक. होम्योपैथी वॉज द ओनली सेक्टर जो चुपचाप बैठ के सुनते रहे, और वो चुपचाप बैठ के वहां से चले गए. लास्ट में पीएम ने खाली इतना बोला, जिस दिन आपके पास कुछ रिसर्च हो हमारे पास आइएगा. ही वॉजंट एबल टू इवन कन्विंस पीएम कि हमें आप रिसर्च करने का मौका तो दीजिए, तब तो रिसर्च होगी. एलोपैथिक में मैं आगे जो बोलने वाली हूँ ना, वो पूरा टॉपिक कहीं और ले जाएगा, एंड आई थिंक अलाउड भी नहीं है हमें वो चीजें बोलना, बिकॉज आई माइट बी क्रिटिसाइजिंग और सम पीपल, बट यस ये सिस्टम का फॉल्ट है, आई एग्री, वी नीड टू रेक्टिफाई दिस as soon as we can, as early as we can, again then it'll be better for the system. It's not better for me, not better for you, it's better for the system. So the need of something is collectively aap wo efforts put in karo to document your you know the laws and proofs. Exactly. Hai na, matlab feel free to talk on this page, it's all about positive criticism. Unless we do questionable let's censor that. I completely understand, but I feel, ma'am, we require positive criticism at this stage. If we don't go into it, we'll never learn, we'll never change. Henneman positively criticized allopathy at that time for the kind of and practices you know what? They were doing. I'll tell you one very good thing.
जिस चीज को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ना, दैट मींस, या वो इंसान, दैट मींस ही इज डूइंग वंडर्स और दे आर डूइंग बेटर. तभी कोई किसी को अच्छा करता हुआ नहीं देख सकता. मतलब इस सिस्टम को अगर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ना, आई कैन बैंग ऑन टू दैट कि ये सिस्टम सबसे ज्यादा हीलिंग और सबसे ज्यादा क्योर दे रहा है. दैट्स व्हाई, बिकॉज यू नो अदर सिस्टम के लोग वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते. दे विल लाइक ओके, अगर हम इनको प्रमोट कर देंगे, अगर हम इनसे हील हो गए तो हमारी प्रैक्टिस कौन चलेगी, या हमारा थ्योरी विल फेल, बिकॉज दे इवन दे आर कन्विंस्ड. उनको डीप डाउन इनसाइड इवन उनको भी पता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेयर अप कर सकता है अगर उसको वो चांस दिया जाए. सो व्हेन यू नो कि इस बंदे का या इस सिस्टम का स्कोप है ना अगर राइज करने का, यू पुल बैक, आप उनको वो करते हो. तो आई थिंक आई टेक दिस क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली कि इफ वी आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड दैट मींस वी आर डूइंग ग्रेट. कैंसर का लास्ट स्टेज क्योर नहीं हो सकता, बट आप उसका लाइफ स्पैन तो बढ़ा सकते हो ना. जो बंदा आज हेल्दी स्टेट, आई एम नॉट सेइंग सफर कर रहा था 10 साल तक, बट आई हैव सीन पेशेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही पेनलेसली आगे 3-4 साल 5 साल उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड देन दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड विदाउट पेन एटलीस्ट. एग्जैक्टली, मतलब आई हैव सीन हाउ पेशेंट्स स्टेज में कैंसर के, और अगर आप इनिशियल स्टेज में एक होम्योपैथी में एंटर कर गए हो सिस्टम में, एंड यू आर इन द राइट हैंड्स, आई हैव सीन कैंसर गेटिंग रिवर्स. दिस वेरी फेमस डॉक्टर इन बॉम्बे, डॉक्टर सुजीत चटर्जी सर, लाइक ही हैज ट्रेमेंडस केसेस ऑफ क्योरिंग कैंसर्स, ही इज डूइंग वंडर्स. सो यस, ऐसा नहीं है, वी हैव पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग रिगार्डिंग वी नो एंड वी हैव दैट टास्क कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास वो होना चाहिए. अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बोली ना कि फर्स्ट केस स्टेज में आ जाए तो अंटिल, मतलब जो एक बीच में मैम एक स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि अल्टरनेटिव जो एक टर्म है अल्टरनेटिव, हम उसको कैसे अपने ऊपर से हटा सके. और जिस दिन हम शायद उसमें कामयाब हो गए, जिस दिन हम मेन स्ट्रीम मेडिसिन में आ गए, उस दिन हमारे ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी. वी विल बी गेटिंग केसेस, वी विल बी गेटिंग डॉक्यूमेंटेड. सो एंड सबसे बड़ी चीज ना, व्हाट हैपेंस कि हम जो केसेस क्योर करते हैं ना, वी डोंट टेक, मतलब आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस दैट कि अगर हमारा कोई केस क्योर हो गया, वी कैन टेक अ स्मॉल सा टेस्टिमोनियल, उनका एक बाइट ले लो अबाउट देयर एक्सपीरियंस, एटलीस्ट यू नो यू कैन हैव सम, बिकॉज हमारे पास हमारे क्योर केसेस का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता. सो हूज लाइक, जो भी डॉक्टर्स अगर दे आर लिसनिंग, आई थिंक कुछ काफी लोग करते हैं, बट हाँ दिस इज वन थिंग वी कैन डू. सो एटलीस्ट हम अपने आप एज अ डॉक्टर तो प्रूव कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर वो केसेस बहुत अगर वंडरफुल है तो आप कहीं पे भी पब्लिश करा सकते हो वो केस टेकिंग. सो यू कैन टेक अ स्मॉल टेस्टिमोनियल, वंस योर केस इज क्योर्ड एंड यू आर क्लोजिंग द केस फॉर द लास्ट टाइम, यू कैन टेक अ स्मॉल बाइट, या उस पेशेंट का एक्सपीरियंस, या उसके यू नो असिस्टेंट का एक्सपीरियंस की थ्रू द जर्नी व्हाइल दे वर इन होम्योपैथी, वो पूरी जर्नी उनकी कैसी रही है. सो दैट फीलिंग ऑल्सो, अगर वो बंदा internally better feel bhi kar raha hai na, and still that disease pathological state is there right there, still that means healing has generated. So ek bande ki suffering kam karna is a very big task. Kyunki ek ma'am ek positive criticism, aur agar is cheez ko doctors sun rahe hain to I don't know aapne is cheez ko dekha ya mehsoos kiya. Maine apne sector mein, apne kshetra mein cheez bahut zyada dekhi, people don't even go towards pathological testing. मतलब दे डोंट हैव ब्लड रिपोर्ट्स टू थिंक, दे डोंट हैव एमआरआई टू, मतलब दे आर डीलिंग केसेस लाइक दिस प्रोलैप्स, दिस हर्निएशन कंसीडर्ड टू बी इनक्योरेबल इन एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन, एंड दे आर ट्रीटिंग दोस केसेस वेल इनफ, बट दे डोंट इवन हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अ प्रॉपर लैब टेस्ट फॉर दैट. एग्जैक्टली, सो दिस डॉक्यूमेंटेशन वाला थिंग ना, आई लर्न फ्रॉम डॉक्टर गौरांग सर. So when you used to treat cases now, to wo before and after ke actually they go for investigation. So investigation is also very important to an extent. Matlab I know there are cases like pehle log bolte hai na investigation ka koi role play nahi hai. Then again there are two sectors. Aap pe depend karta hai ki aapko wo zarurat hai ya nahi hai. But still if you want to document, to wo aap investigation before and after wala rakhoge. At least you can prove, you can present that case in a seminar with the conviction, with the confirmation ki nahi si XYZ thyroid profile ye tha. After the treatment, XYZ thyroid profile, कितना improve हो गया, या uric acid level, या XYZ, जो भी है. So yes, investigation also will help you, one of the ways to document things before and after करके, right? Yeah, it's very true. Yeah, मतलब today case presentations are there, they simply come up with a written documentation of everything without even having a basic evidence to anything. And then they try convincing the general public or our doctor, and मतलब
bad for the system that audience. These doctors are getting convinced, you know, that this audience is getting convinced by those kind of speakers. They aren't even looking forward to ask them questions, proper questions like that. यहाँ पे पता है क्या अभिनव, I would say यहाँ पे ना both of them are equally at the fault, the speaker and the audience, because exactly, we are hardly ordered, like most of the time we are not even there for learning, we are just sitting because we are there for a vacation or something. हमें मौका मिल गया दूसरी सिटी ट्रैवल करने का, we are sitting, but we are not actually into the case. Secondly, we are like so dead when we are watching a seminar that we are not open up. हमें पता ही नहीं है, हमने XYZ एक suppose urticaria का case देखा, उसकी XYZ medicine हमें पता चल गया, अब हम वो medicine बस रट के आ गए हैं, अब हमारे पास कभी भी urticaria का case है, we'll try, we'll you know hit and trial वाला method करेंगे, which is also wrong. So वही बात है कि दोनों end पे है. Either I would say उस speaker को भी उतने efforts put करने चाहिए उस case को beautifully और you know मतलब कंसाइजली उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो केस कैसे हुआ, कहा क्यों मैं ऐसे ऐसे स्टेप. एक्चुअली पता क्या होता है, आई थिंक दोनों चीजें हैं सेमिनार में ना, एक तो आपके पास टाइम लिमिट होती है, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ बताना है, तो वहां सेमिनार में क्या होता है, यू गेट अ केस का स्टार्टिंग एंड यू गेट द एंडिंग. बीच में कितने सारे फेल्ड फॉलो अप्स थे, कितनी सारी बार रेमेडीज चेंज हुई, यू डोंट गेट टू लर्न दैट बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइम लिमिटेशन है, स्पीकर के पास भी उतना टाइम नहीं होता. बट वेन अगर आप कुछ पर्टिकुलरली पर्सनली उनसे पूछोगे ना, दिल एक्चुअली टीच यू, अगर आप बैकग्राउंड उनसे पूछो, दिल आंसर, आई थिंक इफ दे आर ओपन टू, आई थिंक दे शुड, तो दिल आंसर यू कि बीच में, क्योंकि बहुत सारी बार सेकंड थर्ड प्रिस्क्रिप्शन कितनी बार चेंज हुआ, जो लास्ट रेमेडी है इट वॉज नॉट दी फर्स्ट रेमेडी, हो सकता है मैंने तीन चार बार बीच में मेरी रेमेडीज फेल हुई हो. सो दिस इज वॉट वी यूज टू लर्न लाइक अदर सॉन्ग में वेन आई वॉज स्टार्टिंग, बिकॉज वहां पे हमें ना एक्चुअली इन डेप्थ बताया जाता है कि कौन कौन से फॉलोअप्स में क्या क्या मेडिसिन थी, व्हाट वाज द रिस्पांस एंड हाउ वाज डिजीज पिक्चर इज बीइंग चेंज्ड एंड यू नो द केस इज गोइंग फर्दर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेमिनार में आप सब कुछ, आपको इट्स ऑल यू नो बहुत अच्छा 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 बताते हैं, बट बीच में बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो कहाँ होते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी होता है. तो वही है, सेमिनार में टाइम लिमिट होती है, आई थिंक इसलिए डॉक्टर्स या स्पीकर्स प्रेफर कि हम फर्स्ट और एंड, लाइक बिगनिंग और एंडिंग दिखा दें कि ये हमने इस केस में मेडिसिन. Such people be there on social media and matlab explain us how things are going on out there. Exactly. Matlab ek cheez ma'am main audience ko bolna chahunga, hum log ke paas time thoda sa kam tha, bahut lamba khich bhi gaya, ma'am ko bahut pareshan kar bhi liya, par aap log jis type ke questions la rahe hain na, matlab I guess aaj wo hamara topic nahi hai kyunki hum yahan pe ye deal, okay, pehli cheez I am very much against ki hum koi tarike ki medicine disclose kare social media pe. अगर आपको लगता है कि आपको चिट्ठी लेनी है, नो प्रिस्क्रिप्शन शुड एवर बी प्रोवाइडेड ऑन सोशल मीडिया, इट्स अगेन द मेडिकल एथिक्स. सो इफ यू वांट टू कंसल्ट एनी पर्टिकुलर एक्सपायरी डॉक्टर, प्लीज टेक अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट, कंसल्ट देम एंड देन यू कैन गो फॉर द मेडिसिंस. एग्जैक्टली. सो आपको यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलेंगी, तो अगर कोई यहाँ पे मेडिसिन सोच के आ रहा है कि उसको मेडिसिन मिलेंगी, तो प्लीज ये उस चीज के लिए नहीं है. मैम, वील रैप इट अप जस्ट अ क्विक conclusive message to that, कि आज हम takeaway क्या रहेगा हमारा, और how will we work on to that takeaway, anything that you are willing to ask your audience to do, any task, and we will take it. Takeaway would be, again I would say, start learning, start hunting for different schools of homeopathy. अगर आपके पास time है और आपके पास you know you are capable, तो आप दो चार शॉर्ट कोर्सेज लेके देखिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ होम्योपैथी के, लर्न देयर सिस्टम, एंड इफ यू वांट टू परस्यू योर न्यूट्रिशन वाला डाइट वाला थिंग आल्सो यू वांट टू इनकल्केट, देन यू वांट टू साइकेट्री वाला, गो एंड हंट फॉर दी कोर्सेज विच आर गुड. बहुत कुछ डाउट है, यू कैन डीएम अस, वी विल हेल्प यू आउट विद यू नो गेटिंग, बट फर्स्ट पहले खुद को अपनी इंडिविजुअलाइजेशन को बैठ के आइडेंटिफाई करो कि मुझे किस सिस्टम में जाना है या वेयर डू आई रेजोनेट एज अ डॉक्टर. डोंट जस्ट गो विद द फ्लो कि बस प्रेशर है, तो पहले खुद को आइडेंटिफाई करो कि मैं किस चीज की तरफ मेरा यू नो झुकाव ज्यादा है, या किस चीज से मैं रेजोनेट कर पाता हूँ या पाती हूँ. उसके बाद गो एंड हंट फॉर द कोर्सेज विच आर सूटेबल टू योर इंटरेस्ट, एंड देन यू कैन परस्यू दैट. सो इवेंचुअली क्या होगा ना, आप होम्योपैथी को कलेक्टिवली लेके सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो. एंड इफ यू आर अवेयर, तो आप छोटे मोटे कैंप्स लगाइए, practice yourself jitna, and learn from as many people as possible, like don't matlab theek hai, I would say jitna stupid ban sakte ho bano aur sab kuch seekho. Okay, and abhi kisi ne pucha ki aap ye courses short term to kahan se kar sakte hain, to ma'am ne starting mein bola ki hum ma'am ek list bana ke de denge,
विल पोस्ट इट और उस पर हम बता देंगे आपको कि ये कोर्सेज जो हैं वो यहाँ से किए जा सकते हैं. अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मुझे डीएम कर दीजिएगा या मैम को डीएम कर दीजिएगा और हम पक्के से मैम को दोबारा से लेके आएंगे और हम उन क्वेश्चंस का उस समय आंसर करेंगे. क्योंकि मैम आई फेल्ट कि डायरेक्ट लाइव सेशंस पे क्वेश्चंस का आंसर बहुत डिफिकल्ट है. सो इसको डीएम में अगर ले जाए और फिर उसके बाद टेकिंग अप या इवन आई नीड टू रिसर्च कि व्हिच इज द बेस्ट कोर्स सूटेबल फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट सो वी विल एक्चुअली डू द ड्रिल. तो ये है कि हम आप हमें डीएम करिए, हम उस चीज को लेके आएंगे और फिर उसके बाद पक्के से मैम के साथ एक सेशन, मैम आज आप प्रॉमिस कर लो कि एक सेशन रहेगा, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. तो इस तरीके से रहेगा, ये पक्का रहेगा. और एक चीज जो मेरे एंड से टेक अवे रहेगा, जो मैम ने लास्ट तक आते आते बोला कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए वाला जो आपका है, उस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए. बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सभाए. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड योर लिमिट्स, ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अराउंड यू, इट विल ऑलवेज ऑलवेज वर्क फॉर यू. तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मैम ब्लॉक करना पड़ेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको. No, honestly, it was really nice talking to you. I hope for the thank you so much. My throat was not keeping well, but I was like, "Thik yaar, bahut delay nahi karna hai." I think I ek hafta peeche ho gaye the. I was out of town. That's why. But anyways, it was really great. Very interesting session. Got to learn a lot. I think thank you so much, Seena ma'am. Though is series mein pehle aaya, but like you've been to lots and lots of live sessions earlier, which are amazing. I think I remember one session of yours with Dr. Kiran Pandya. That was one of the good sessions. वो मैंने पूरा सुना था. I was like all free. So yes, you are doing commendable job, Abhinav. Carry on with this, and I'm waiting for your next speaker. And like, let's see who is the next speaker. Even I am learning from that. They will bring something different for sure. मतलब they'll be students. To the audience also and for you also, ma'am. They will be students. They will be doctors. They'll be MDs. They'll be BSMS people who are there, who are practicing, and they want to bring some change. So perfect. Everyone will I be think having that a different be a very much great experience. Absolutely, Abhinav. God and bless ma'am, you. Ma'am, I'm so sorry for thank you so much, but I'm so sorry for losing the first half of the session. Matlab, no, I'm really sorry for that. I hope that won't happen ever again. I think Anna? It's okay. I think we don't have any like apologies for technical glitches. I think that's absolutely fine, right? Anyways, I hope you guys had a great evening and it was really nice interacting with you all. Thank you, Anubhav. Abhinav, I always get confused. I think I should name you because Abhinav Anubhav हमेशा confusion रहता है, तो मैंने ना अब नामकरण कर दिया तो frustrated हूँ मैं पैच. अब यही है. अब मुझे नहीं पता उसका भी. I only recall you like this only. मतलब it's good that people know me by that profile. Keep blocking people. मुझे नहीं पता तेरा किसी को पता भी होगा ऐसे. मेरे जैसा तो हमेशा confused हो जाता है Abhinav के अनुभव में. ओके चलिए मैम, अच्छा लोग उसके थ्रू जाने चलेगा है ना. यू आर गेटिंग फेमस फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस एंड गिविंग अस सो मच ऑफ योर टाइम एंड पक्का वी विल ब्रिंग यू बैक अगेन है ना. ओके बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर मैम. बाय, टेक केयर मैम, गुड नाइट. बाय मैम. ओके गाइस, सो वी हैड एन इंटरेस्टिंग सेशन. प्लीज जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन चीज को आप मुझे डीएम कर दीजिए और हम उस चीज को नेक्स्ट सेशन में लेने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट सेशन हमारे पास कोई फिर डिफरेंट होगा. और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, अदिति मैम हैज बीन वर्किंग अ लॉट फॉर द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड शी इज नॉट जस्ट वर्किंग फॉर होम्योपैथी बट शी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज इन द मेडिसिन एज कंप्लीट. कीप लर्निंग, एंजॉय दिस. हम फिर से आएंगे किसी एक नए गेस्ट के साथ, फिर आपको कुछ समय पहले ही पता चलेगा. संडे ध्यान रखिएगा, संडे से पहले एक बार प्रोफाइल जरूर चेक करिएगा. हम सैटरडे या फ्राइडे तक अपलोड कर देंगे हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन आने वाला है. टाइमिंग ऑलमोस्ट 7 o'clock की रहेगी. आज जिस तरीके से लेट हुई या ग्लिचेस हुए अब वो नहीं होंगे क्योंकि मुझे पता चल गया है किस तरीके से इनको मैनेज करना है. और सेशन अच्छा रहेगा इस चीज की मैं पूरी तरीके से प्रॉमिस करता हूँ. इस बार लोग और डिफरेंट होंगे, पिछले बार जो सेशन हुए उससे बिल्कुल डिफरेंट लोग होंगे. इस बार हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी दोबारा से लेके आने की कोशिश करी जाए, देखा जाए कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हमारे पिछले सेशंस के बाद. पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज इज एसेंशियल एंड दैट वाज द टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन. और इसी चेंज को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हम नए लोगों को लेके आएंगे, हम आप सबसे बात करेंगे. किसी को किसी तरीके कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू डीएम मी. हम हमेशा तैयार रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, डॉक्टर्स जो ठहरे. और thank you so much everyone, thank you so much Aditi ma'am for being there with us.
enjoy, take care, good night guys, stay safe.